हे फ्रेंड्स, और दिन की शुरुआत होती है हमारे इवनिंग के टाइम से, बिकॉज़ मॉर्निंग टू इवनिंग तो मेरी क्लासेस ही रहती है ऑल टाइम। एज यू नो, मैं वर्किंग हूँ तो स्कूल पे रहती हूँ, और यहाँ पे इवनिंग में 5 o'clock मैं रूम पहुँचती हूँ और उसके बाद मेरी ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। ये नाइट का टाइम था और मुझे छोटी सी भूख लगी हुई थी, तो उसके लिए 2 मिनट वाली मैगी मैंने रेडी कर रही थी। और 2 मिनट मैगी कभी 2 मिनट में बनकर रेडी नहीं होती है, वही मैं यहाँ पे बता रही थी। वो हमेशा टाइम ही ले लेती है, और मैं यहाँ पे ऑल वेजीज वगैरह डाल करके मैगी को बनाती हूँ। और यहाँ हमारी मैगी तैयार हो रही थी, और आज मैं आपको इम्पोर्टेंट बताने वाली हूँ PYQ DSSB के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि हमेशा हम मेरे वीडियोस में चलते हैं। और साथ ही आज मेरे एक व्यूअर का क्वेश्चन था कि करंट अफेयर और GS के लिए हम कहाँ से पढ़ें, तो उसको भी मैं मेंशन करने वाली हूँ। सो प्लीज़ बी कंटिन्यू। और यहाँ मेरी गर्मा गर्म मैगी बनकर तैयार हो चुकी थी, और अब हम चलेंगे पढ़ाई करने के स्लॉट में। सोसाइटी का बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखाई देता है यहाँ से। देखिए, इवनिंग में सब लोग टहलने के लिए आते हैं, और ये है मेरे सोसाइटी का व्यू। मैं अभी 8 o'clock तक ट्यूशन पढ़ा के फुर्सत हुई हूँ, तो मुझे तो टहलने का टाइम नहीं मिल पाता, बट कभी कभी मैं भी निकलती हूँ। बट यहाँ ऑल टाइम हवा चलती रहती है और सब लोग घूमते फिरते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ। और अब हम चलेंगे अपने स्टडी का स्लॉट स्टार्ट करने का। और ये है मेरा ट्यूशन रूम। आज मैं आपसे अपना ट्यूशन रूम को दिखाती हूँ। ये ऐसा है, यहाँ पे स्टूडेंट्स रहते हैं और मेरा वो स्टडी कॉर्नर है, मैं वहाँ पे बैठती हूँ, स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ। यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स बैठते हैं, और यहाँ से बाहर का व्यू भी बहुत अच्छा दिखता रहता है। और ये है मेरी प्यारी सी छोटू सी टेम्पल, और ये मेरे गन्नू जी। और ये कुछ थॉट्स मैंने ही लिखे हुए हैं अपने वॉल पे, आ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट। और एक और मैंने बनाया है, जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है, तो ये दोनों मैंने ही लिखा हुआ है। तरह से मेरा ये है ट्यूशन रूम। फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करती हूँ मैं अपना स्टडी का फर्स्ट स्लॉट, और मैंने आज यहाँ पे फेब्रवरी मंथ के कुछ करंट अफेयर्स लिखे हुए हैं, तो मैं पहले उन्हें रिवाइज करूँगी और फिर उसके बाद अपना नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट करूँगी। नेक्स्ट स्लॉट में जैसे मैंने 15 डेज़ का चैलेंज लिया हुआ है पेडागॉजी कंप्लीट करने का, तो मैं एक वीडियो कंप्लीट करूँगी दीपक मीना सर से। दीपक मीना सर का अभी अभी जस्ट किसी गवर्नमेंट स्कूल में उन्होंने मेंशन नहीं किया है, वहाँ पे PRT में उनका सिलेक्शन हुआ है, और वो वाकई में मुझे तो उनका चैनल बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत सही लग रहा है, मेरे लिए बहुत बेनिफिट भी हो रहा है। और तो मैं उसी से ही अपना करंट अफेयर तो, और हाँ, मेरी एक व्यूअर का कमेंट भी था कि करंट अफेयर और स्टेटिक GS का पोर्शन हम कहाँ से करें, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि पेडोलॉजी के लिए मैं दीपक मीना सर से कर रही हूँ, और करंट अफेयर के लिए मैं मंथली वाइज पढ़ रही हूँ, जो कि मुझे सफिशियंट लग रहा है। जनवरी फरवरी मंथ में मंथली वाइज लिख लेती हूँ और उसे पढ़ती भी हूँ, तो मेरा रिवाइज हो जाता है। मैं क्रेजी GK ट्रिक बाय राजा सर आप डालेंगे, वहाँ से आपको मिल जाएगा करंट अफेयर। और उसके बाद में मैं करंट अफेयर के बाद में अगर आपको GS का पोर्शन करना है, तो जनरल स्टेटिक्स के पार्ट के लिए आप लूसेंट के बैक साइड में जो भी पेजेस होते हैं उनको आप कंप्लीट कर लीजिए, और उसके अलावा जो कुछ सोर्सेज मैं करने वाली हूँ उसको मैं आगे आपको मेंशन करती रहूँगी। आप ज़रूर वीडियोस को वॉच करते रहिए, आपको डेली कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी मिलेगी। और इसी के साथ में मैं आज से डेली अपने आप को टारगेट दूंगी कि मैं टॉपिक तो कंप्लीट करूंगी ही करूंगी, और साथ में मैं रिवीजन भी करती जाऊंगी, बिकॉज़ अभी करंट अफेयर मैंने लिखा है तो मुझे भूलना नहीं चाहिए, मैं उनको डेली डेली रिवाइज भी करती रहूँगी। तो जैसे मैं जॉब में ऑलरेडी हूँ, तो मैं स्कूल वगैरह में भी अगर रहती हूँ तो मैं वहाँ भी थोड़ा बहुत टाइम निकाल के रिवाइज करती रहती हूँ, अपने नोट्स लेकर के जाती हूँ। तो अगर पढ़ा हुआ हम पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा बोरियत भी नहीं लगता है, और वो सब कुछ रिकॉल होता रहता है। तो इस तरह से अब मैं अपना करंट अफेयर को रिवाइज करने के बाद पेडागॉजी करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट माई स्टडी।
स्लॉट। यहाँ पे मैं करंट अफेयर का एक क्वेश्चन आपके साथ में शेयर करूंगी, फरवरी मंथ का है। उपन्यास विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी। उसके साथ ही मैं और बुक्स नेम और ऑथर के नेम शेयर करूंगी। ट्रॉम एंड सैंड गीतांजलि श्री के थ्रू लिखा गया। द ग्रेट टेक गेम के ऑथर हैं अनिरुद्ध सूरी। द टाइगर ऑफ द्राश के ऑथर हैं मीना नैयर। सो ऑलमोस्ट मुझे हाफ आवर का टाइम लगा है और मैंने फरवरी मंथ का अभी हाफ करंट अफेयर कंप्लीट कर लिया है। जस्ट इसी तरह से हम जो है अपना रिवीजन कर सकते हैं। और अब मैं स्टार्ट करूँगी अपना पैडागॉजी का स्लॉट। यहाँ पैडागॉजी मैं अपनी नोट्स से भी पढ़ रही हूँ, बिकॉज मैंने NIOS का एक कुछ नोट्स भी बनाए हुए थे उससे पढ़ रही हूँ। और साथ में ही मैं मेरे पास में रीड की लेवल 1 और लेवल 2 की बुक है, जो कि रीड राजस्थान टेट के लिए है। उसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के सभी चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। ये मैंने MP टेट के एग्ज़ाम के लिए लिया हुआ था और मैं उसी से ही रीड कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक सर ने भी कई सारे टीचर्स ने सजेस्ट किया हुआ है कि अगर आप NIOS की बुक को पढ़ रहे हैं वो तो सफिशियंट है ही, उसके साथ ही हमें उसकी थ्योरीज कंप्लीट करने के लिए कोई भी आप बुक प्रिफर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रीड की बुक बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बुक सिखवाल की है, उससे मैं प्रिफर कर रही हूँ और उसी को ही मैं पढ़ रही हूँ। बाल की बुक है मेरे पास रीड की, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की। यहाँ पे मैंने आज कंप्लीट किया हुआ है अधिगम का अर्थ, और ये हमारे NIOS की बुक में भी दिया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पोर्शन, और मैक्सिमम क्वेश्चन इससे आते हैं, जिसमें मैंने व्यवहारवाद, गैस्टालवाद, बंडूरा, प्याजे को कंप्लीट किया हुआ है। इनको अभी मैं नेक्स्ट डे में भी इसी को ही रिवाइज करूँगी, फिर आगे बढ़ूँगी। अब इसी के साथ में हम स्टार्ट करते हैं DSSSB के PYQ क्वेश्चंस को। MCQ भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ऑलमोस्ट 5000 प्लस जो है बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संकलन है। और आज चैप्टर के बाद में इसमें MCQ दिए हुए हैं, और ये मेरी बहुत पुरानी बुक रखी हुई है तो मैं इसी से ही रीड करती हूँ जितने भी CDP का मुझे कुछ भी पढ़ना होता है तो। और अगर आप रिसेंट में कोई बुक लेना चाहते हैं तो NIOS ले सकते हैं, और उसके अलावा आप प्रतीक शिवालिक सर की नोट्स जो है, बुक्स वगैरह सब कुछ अमेज़ॉन वगैरह में अवेलेबल है, आप उनकी ले सकते हैं, उनका भी बहुत बेस्ट कंटेंट रहता है। मैं अभी कोई न्यू बुक लेना प्रेफर नहीं कर रही हूँ, अगर मुझे लेना होता तो मैं उन्हीं की बुक प्रेफर करती। और ये देखिए अभी अधिगम के ही इतने सारे MCQs हैं, मैंने अभी नहीं लगाया हुआ है, ये मेरा पहले का पढ़ा हुआ है तो मैं इन्हें अभी फिर से लगाऊंगी, इसलिए ये मेरा पहले का हाईलाइटेड पार्ट है। ये मैंने ऐसे ऐसे पार्ट को हाईलाइट किया है जिनको हमें करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहे थे, तो उनको मैंने हाईलाइट किया है कि रिवाइज़ के टाइम पर मैं इनको पढ़ूँगी। बाकी जो है बहुत ईजी पढ़ रहे थे, उन्हें मैंने हाईलाइट नहीं किया हुआ है। तो इस तरह से ये चैप्टर कम्प्लीट होता है, बट इसका MCQ मैं नेक्स्ट डे पे करूँगी। सो अब हम स्टार्ट करते हैं DSSSB PYQ। सो अब स्टार्ट करते हैं 14 नवंबर 2018 का पेपर, जिसमें मैं पेडागॉजी का पोर्शन करती हूँ हमेशा की तरह।
और बाकी क्वेश्चंस को मैं देखती हूँ, बट आपके साथ में पेडागोजी के क्वेश्चन को शेयर करती हूँ। और ये अभी पेडागोजी का सेक्शन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से सब्जेक्ट रिलेटेड। What does the trial and error method of learning implies? Learning is incremental. It means learning जो है वो हमेशा वृद्धि उसकी होती रहती है। और trial and error method बहुत ही famous method है, ये E.L. Thorndike के through दिया गया था। Who said guided discovery learning is more beneficial for students? It's given by the Piaget. गाइडेड डिस्कवरी लर्निंग इट मीन्स टीचर प्रोवाइड इट्स अ इंडक्टिव मैथड एंड टीचर प्रोवाइड्स एग्जाम्पल ऑफ एनी आइटम एंड लर्नर फाइंड आउट ऑफ अ रूल्स देमसेल्स। इट मीन्स यह एक आगमन विधि है। आगमन विधि में टीचर्स किसी चीज़ का पहले एग्जाम्पल बताते हैं और लर्नर उसके रूल्स को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं पियाजे, बाइगोत्स्की और थ्योरी, बाइगोत्स्की कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब इन सभी के हमें थ्योरीज को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए, और वो भी बहुत डिटेल में पढ़ना है क्योंकि इसमें क्वेश्चन घुमा के आते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रॉक्सिमेडिस्टल ट्रेंड इन फिजिकल डेवलपमेंट एन इन्फेंट वुड फर्स्ट लर्न टू कंट्रोल व्हाट पार्ट ऑफ हिज हर बॉडी। प्रॉक्सिमेडियंटल टर्न जो है उसमें पहले इन्फेंसी एज में आर्म का डेवलपमेंट होता है, फिर ऑल ओवर द बॉडी होता है, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इन अ मिक्स क्लासरूम द टीचर शुड प्रोवाइड अ वेराइटी ऑफ लर्निंग सिचुएशन। मिक्स क्लासरूम इट मीन्स कि यहाँ पे अलग अलग लर्निंग कैपेसिटी के स्टूडेंट्स अगर हैं तो आपको उनकी नीड के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमें क्वेश्चंस देने होंगे, सिचुएशन लर्निंग सिचुएशंस प्रोवाइड कराने होंगे। व्हाट डज पियाजे बिलीव, पियाजे किस में बिलीव करते हैं। वी कैन मैनिपुलेट द सेंसरी वर्ल्ड। वाइगोत्स्की टर्म दैट रिप्रेजेंट द गैप बिटवीन व्हाट चिल्ड्रन कैन डू on their own and what they can do with the assistance of the other is called zone of proximal distance. Very very important, जिसे शॉर्ट में ZPD भी बोलते हैं। वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन को जब हम एक्स्ट्रा अदर हेल्प किसी से लेने की ज़रूरत पड़ती है एज अ गाइडेंस, तो वह ZPD के अंतर्गत आता है। ये मोस्ट फेमस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू पियाजे, अ चाइल्ड इन द एज ऑफ 2 to 7 years इन द डैश डैश स्टेज ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इट्स अ प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ द इन्फेंसी। मोटिवेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और मैंने आपको एक चैनल अपने लास्ट वीडियो में पूरा आपको सिलेबस ही प्रोवाइड करके रखा हुआ है, आप उसे ज़रूर देखिएगा, उसमें ये सब कुछ मेंशन है। अवार्डिंग ट्रॉफी, मेडल्स, ग्रेड्स एक्सेट्रा इज कॉल्ड द एक्सट्रिंसिव मोटिवेशन, ये बाहरी मोटिवेशन कहलाता है। लुक हियर, ZPD का एक और क्वेश्चन रिपीट हुआ है और उसी को ही बार बार रिपीट किया, बस लैंग्वेज चेंज है। टीचिंग अ किंडरगार्टन स्टूडेंट्स टू राइट देयर नेम इज अ स्किल दैट शी ही कैन डू विद द हेल्प ऑफ द समवन एट फर्स्ट एंड इवेंचुअली डू इट ऑन देयर ओन, दिस इज कॉल्ड द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ZPD मीन्स हम किंडरगार्टन स्टूडेंट्स को उसके नेम लिखने की स्किल के बारे में उन्होंने हमने टास्क दिया और वे किसी की हेल्प से अपने फर्स्ट नेम को लिख रहे हैं और फिर अपने आप से लिखने लग जाते थे, ये कहलाता है ZPD। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, शून्य पाठ्यक्रम क्या है। पाठ्यक्रम जिसे हम पढ़ाते नहीं हैं, ये मैंने आपको पहले भी वीडियोस में मेंशन किए हुए हैं, किसी पेपर में आया हुआ था TSSB के 2018 में, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। जीरो करिकुलम कहलाता है पाठ्यक्रम जिसे हम नहीं पढ़ाते, अर्थात टीचर नहीं पढ़ाते हैं, वे जानबूझकर ऐसे टॉपिक्स को छोड़ देते हैं जिन्हें वो इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं, तो वह शून्य पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। और इस एज यूजुअल हमेशा की तरह मैं इस
का PDF आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगी. सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल एंड दैट्स इट फॉर टुडेज गाइज. टिल दैट कीप लर्निंग, कीप मोटिवेटेड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. आपको थोड़ा भी बेनिफिट लग रहा है तो प्लीज़ शेयर करिए वीडियोस को, और आपको ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स मिलती रहेंगी. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट बिलो. एंड बाय बाय एवरीवन.